हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी जब आप शरण कार्ड बना रहे हैं तो प्लीज वेट का एरर आप लोग को देखने को मिल रहा है। इसी टॉपिक पे आज हमारा इस शरण कार्ड का वीडियो है, जो कि ये काफी लोगों को परेशानी हो रहा है। हैबिट ट्रैपिंग का जो एरर है, इसका भी आप लोग को काफी प्रॉब्लम कर रहा है। भी आप लोग को दिन में बना नहीं पा रहे आप लोग दिन में, तो ये प्रॉब्लम को ठीक कैसे करेंगे, और जो प्लीज वेट वाला प्रॉब्लम है उसे कैसे हम ठीक करेंगे, और क्या ये ठीक हो सकता है, ये सर्वर का प्रॉब्लम है या हमारा मोबाइल का प्रॉब्लम है या पीसी लैपटॉप से हम जिस चीज से ऑनलाइन करते हैं उसका प्रॉब्लम है या फिंगरप्रिंट का हमारा प्रॉब्लम है। तो चलिए इसी के बारे में आज हम फुल डिस्कस करेंगे। तो मैं हूं गुप्ता गंगाधर, आप सब को हमारे इस टेक्निक चैनल में आप लोगों को स्वागत है। तो प्लीज यार, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर दें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। तो इस श्रम कार्ड में आप लोग को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम अभी हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, आप लोग को पता है, और आप लोग को कमेंट का जवाब हम बहुत जल्द दे देते हैं। केवल हमें पता चलना चाहिए कि हाँ आपका कमेंट आया है। मोबाइल एनी टाइम हमारे हाथ में रहता है, हालांकि पीसी लैपटॉप दूर में रहता है, मोबाइल हाथ में रहता है, कमेंट का रिप्लाई आप लोग को हम जल्द से जल्द दे देते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, और आप लोग का एक अभी जो ट्रैफिक वाला एरर है वो तो चल ही रहा, आगे हम बताएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा, छोटा सा अपडेट हम आप लोग को देना चाहते थे, इसलिए आज छोटा वीडियो हम लेके आए। तो पहला कमेंट आप लोग को आया है, और हम भी इस बात को देख रहे हैं, हम जब ऑनलाइन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रहा है। इस श्रम कार्ड जब हम बना रहे हैं, ओटीपी हम डाल देते हैं, किसी तरह से हम किसी टाइम ओटीपी डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद जब हम आधार नंबर डालते हैं, आधार नंबर या तो ओटीपी से या तो फिर फिंगरप्रिंट से जब हम केवाईसी करते हैं, वेरीफाई करते हैं, और सबमिट के ऑप्शन पे हम जब क्लिक करते हैं तो वहां पे आप लोग को बीच में लिखा हुआ आ जाता है सबमिट के ऊपर प्लीज वेट। ये भाई क्यों आता है प्लीज वेट, इसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे और इसे ठीक कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये प्लीज वेट ये आता है किन लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे अगर किन्हीं का एज 40, 30, 45 कुछ भी है, इतना है लगभग, यानी 30 से प्लस ही मान लीजिए है, और जब भी आधार कार्ड जब शुरू में बना था, जिस टाइम बना है आधार कार्ड, उस टाइम के बाद एक बार भी वो अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं किए हैं। आप लोग को पता है कि साल दो साल में थोड़ा बहुत जो हमारा ये फिंगरप्रिंट का स्कैनर, इसमें आप देखिएगा उंगली में या तो कहीं पे भी, तो गोल गोल सा रहता है स्कैन, यानी कि जो रहता है फिंगर वाला, ठीक है। अब स्कैन भी कीजिएगा तो उसी तरह से स्कैन होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव होता है, जिसके कारण से प्लीज वेट का कारण बनता है। इसे हम ठीक कैसे करेंगे? तो जो काफी लोग जो उस तरह से जो एरर रहता है, तो जो पता नहीं चलता है इंटरनेट पे कि उन्हें हम क्या, ये जो पब्लिक है, जो आदमी है, ये व्यक्ति जो है, ये क्या सही है, आधार नंबर इन्हीं का है, वेरीफाई कर रहे हैं या किसी और का है, या फ्रॉड नहीं कर रहे हैं हमारे पास, क्योंकि अभी रोबोट भी काफी सारा फ्रॉड हो रहा है रोबोट के जरिए, तो इस तरह से इसलिए वो वेरीफाई करते हैं। तो अब जितने सारे इसमें आप लैंडिंग देख रहे हैं, सारे लैंडिंग को एक एक करके स्कैन करते हैं धीरे 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 धीरे, इसलिए आपको वहां पे प्लीज वेट का एरर दे रहा है। तब प्लीज वेट का एरर दे, आप इसे ठीक कैसे कीजिएगा? आपको करना कुछ नहीं है। अगर आप पीसी या लैपटॉप से करते हैं तो माउस का राइट क्लिक जो आप इस उंगली से आप दबाते हैं, माउस का राइट क्लिक और कीबोर्ड का स्पेस बटन जो सबसे लंबा वाला नीचे रहता है, स्पेस बटन को क्लिक करें एक साथ, और जो माउस का राइट क्लिक है उसे आप सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो लगातार 3-4 बार आप प्रेस कीजिएगा तो आपका जो है पेज को रिफ्रेश कर दिया जाता है, और जो वो प्रोसेस जो घूमने वाला रहता है, अगर पीछे से हम किसी चीज को धक्का देते हैं तो वो जल्दी चलने लगता है, आगे बढ़ जाता है। तो वही होता है उसमें, जब हम प्रेशर देते हैं उस पर स्पेस और कीबोर्ड का जो बटन स्पेस और राइट क्लिक से, तो उसे धक्का मिलता है, प्रेशर मिलता है, उसके कारण से वो फिर आगे जल्द से जल्द बढ़ जाता है। इस तरह आप कीजिएगा तो आपको जो प्लीज वेट का जो ऑप्शन आ रहा है ये बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो हैबिट ट्रैफिक वाला जो है एरर, आप लोग को बता देना चाहता हूँ, हैवी ट्रैफिक वाला जो एरर है वो कब तक रहेगा और क्या ये कितना दिन तक रहेगा? अभी आज का डेट आप देख लीजिए, हमने सीएससी स्टेट लेवल में हमने बात किया, तो क्योंकि पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर अभी कर दिया गया है इस श्रम कार्ड को, साइड को, अभी भी लगभग 1 वीक, 1 सप्ताह का समय और लगेगा पूरी तरह से ठीक होने में, क्योंकि दिन में जब हम इस श्रम कार्ड बनाते हैं तो प्लीज वेट का जो
हैवी ट्रैफिक का जो एरर है ये हमें देखने को मिल रहा है। तो एक सप्ताह लगभग और अभी समय लगेगा बताया जा रहा है, कंफर्म नहीं है लेकिन एक सप्ताह बताया जा रहा है उनके जरिए। तो एक सप्ताह वेट कीजिए, उसके बाद आप फिर आप दिन में भी प्लीज वेट और हैवी ट्रैफिक वाला एरर आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तो हम तो रात में हम ट्राई करते बनाते, पहले तो नहीं बन रहा था रात में भी, लेकिन अब हम 10-11 बजे के बाद अगर हम बनाते हैं तो लगभग बहुत कम हैवी ट्रैफिक का एरर हमें देखने को मिल रहा है। अगर 5-6 बार आप अगर सुबह आप ट्राई करते हैं और तो फिर शाम को ट्राई करते हैं इस टाइम, तो आपको बहुत कम एरर तो आता है, लेकिन आप 8-10 बार अगर आप ट्राई कीजिएगा सेम एक ही प्रोसेस को तो बन जाता है। जब आधार KYC हो जाता है OTP वेरीफाई करने के बाद, तो आपका धीरे धीरे वो बन ही जाता है। तो इसी तरह से आप श्रम कार्ड बनाएं, और अभी भी आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्यारा सा आप लोग कमेंट करें, आप लोगों का सहयोग हम जरूर करेंगे, कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और प्लीज यार आप लोग के लिए हम वीडियो बनाते हैं, केवल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।